पहलवान सागर की हत्या के आरोप में फंसे ओलंपियन सुशील कुमार की वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सागर की पिटाई करते हुए तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो 4-5 मई की रात की हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि सुशील कुमार की भूमिका क्या है, कैसी है, लेकिन अब इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है जिस इलाके में यह हत्या की गई है वहां की यह तस्वीर है। सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता, जैसा कारनामा हिंदुस्तान में एकल स्पर्धा में किसी ने किया नहीं था, लेकिन आज देखिए तिरंगे को अपने कंधों पर उठाने वाला शख्स आज अपने हाथों में एक ऐसे हथियार के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहा है जिससे हत्या की गई है। ये बर्बरतापूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में आपसे कहेंगे कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सागर नाम के जो एक युवा पहलवान थे 23 साल की उम्र के, वो जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी मामले में सुशील कुमार समेत और 4 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक पहलवान सागर की इस तरह से पिटाई की गई थी जिसके बाद उनकी जान चली गई। कारण क्या है ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ गैंग्स के इन्वॉल्वमेंट की भी बात की गई थी। ये तस्वीरें सीधे सीधे साबित करती हैं कि जो आरोप सुशील कुमार पर लगाए जा रहे हैं और जिस वजह से वो पुलिस के पास इस समय है, पुलिस की हिरासत में है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई। कई दिनों तक सुशील कुमार पकड़ में भी नहीं आया था, लेकिन अब तंसीम हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। तंसीम, ये तस्वीरें तो शायद एक तरह से हम आखिरी कील कह सकते हैं, क्योंकि सुशील कुमार की तरफ से अब जो भी बातें कही जाएं, लेकिन यहां पर पहलवान सागर के आसपास जिस तरीके से वो खड़ा हुआ तस्वीर में नजर आ रहा है, और साथ ही जो अलग तस्वीरें भी दिख रही हैं, वो एक एक बात को साबित कर दे रही हैं। तंसीम, श्वेता, बिल्कुल ये चीज साफ है, अब तक ये वीडियो सामने नहीं आया था। इस वीडियो के जरिए ये बात साबित हो गई है कि किस तरह से सुशील कुमार के साथ उसके 12-14 लोग इकट्ठा थे। उनके पास 3 गाड़ियां थी, एक होंडा सिटी थी, एक स्कॉर्पियो थी। एक बंदा इस वीडियो में हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए भी नजर आ रहा है। इनकी जो कार थी उसमें डबल बैरल शॉटगन, 3 कारतूस मिले थे, डंडे, लाठी, रॉड मिले थे, यानी कि पूरी तैयारी थी। और यही वो वीडियो है जो दिल्ली पुलिस ने CSSL में भेजा है जांच के लिए, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ये वीडियो इन लोगों ने खुद बनवाया था इस वजह से कि आगे लोगों को भेजा जा सके और गैंग में तमाम लोगों को ये सर्कुलेट किया जाए, जिससे कि लोग डर के रहें और इनके खिलाफ किसी भी तरह कभी भी अपना मुंह और अपने आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। तो ये क्लिंचिंग एविडेंस है जो दिल्ली पुलिस के पास है और अब सामने आया है, जिससे सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए साफ नजर आ रहा है। श्वेता, और इसके अलावा ये जो एक बड़ा सबूत है, ये वीडियो का होना अपने आप में बड़ा सबूत है कि आपने एक कत्ल किया और मिलकर 10-15 बदमाशों के साथ उस सागर भंटर का कत्ल कर दिया। एक युवा पहलवान की जान चली गई। सुशील कुमार को लोग ऐसे व्यक्ति के तौर पर जाने करते थे जिसने सिफर से शिखर तक का सफर तय किया था, लेकिन देखिए किस तरह की ये तस्वीरें और किस तरीके से खंड खंड होती वो सिर्फ छवि नहीं बल्कि एक युवा पहलवान का सपना भी, उसकी जान चली गई। आज पुलिस की हिरासत में ये सारे लोग, और पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है, पहले सुशील कुमार को भी छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था जहां की ये वारदात है, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, और ये तस्वीरें बहुत बड़ा सबूत और इस पूरे मामले की सत्यता को सामने रखते हैं, सच्चाई को सामने रख रहे हैं। सुशील कुमार को इस तरह की स्थिति में देखकर बताइए, एक तरफ वो सारी ओलंपिक की तस्वीरें आंखों के सामने नाच जाती हैं जहां पर अपने हाथों से सामने वाले पहलवान को पटखनी देकर सुशील कुमार पदक लेकर आए थे, और दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें एक युवा पहलवान को घेर कर
अपने बाकी साथियों के साथ पीट पीट कर मार डाला गया है। तंसीम आगे क्या, सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था रिक्रिएट करने के लिए, उस पूरी घटना को, उस पूरी वारदात को, उसके बाद उनके साथियों को भी ले जाया गया है, अब आगे क्या होने वाला है इस केस में? देखिए, एक दिन बाद सुशील की जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो खत्म हो रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आगे भी उसकी पुलिस रिमांड मांगी जाएगी कोर्ट से, जिसको उसको उन जगहों पर ले जाया जाए जिन जिन लोगों ने सुशील कुमार को शेल्टर दिया, जिन लोगों ने सुशील कुमार को उसकी 2 हफ्ते तक उसको छुपा कर रखा, जो वो ऋषिकेश में रहा, हरिद्वार में रहा, गुड़गांव में रहा, पंजाब के कई इलाकों में रहा, तो उसको किन लोगों ने शेल्टर दिया और छुपाया, उनके गवाह, उनको और उनको शेल्टर देने वालों से पूछताछ की जाएगी, उसको वहां भी ले जाया जाएगा जहां जहां उसको वो रुका था जाके अपनी फरारी के दौरान। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है सुशील के साथ, सुशील के अलावा 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, इसमें 6 और वांटेड है। ये कुल 15 लोग थे जिन्होंने मारपीट और ये गुंडागर्दी, फायरिंग और उस दिन लाठी डंडी से सागर भुंकर की पिटाई की थी, यानी 6 और वांटेड है जिनकी तलाश की जा रही है। तो जाहिर है पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो जो वेपन्स मिले थे, जो लाठी डंडे मिले थे, उनको भी जांच के लिए सैंपल भेजा है, उनके जो ब्लड के सैंपल्स हैं वो भी भेजे गए हैं। तो ये एक पूरा एक कनेक्टिंग एविडेंस तैयार कर रही है दिल्ली पुलिस सुशील कुमार के खिलाफ कि इनको, और ये साबित करना चाहती है कि ये मर्डर है, ये सिर्फ एक फ्लैट के लिए मर्डर नहीं हुआ, ये गैंग वॉर थी नीरज बवानिया और काला जटमीड़ी के बीच में। ये 2 ऐसे गैंग है पूरे जो अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी क्राइम को इन्होंने अंजाम दिया है। और पहले वाकई क्योंकि मंशा, जब वो शुरुआत में वो वजह बताई गई तो अजीब सा लगा, लेकिन अब जो तस्वीरों के साथ जो कड़ियों को जोड़ते हुए स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होती जा रही है। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे।